नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है अपनी जो मैथ चल रही है, मैथ की सीरीज, उसी क्रम में आज भी आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नई प्रश्नावली हमारी चलेगी, प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3, अगर आप वीडियो 1 नहीं देखे हैं तो यहाँ कोने में आई बटन है, वहां क्लिक कीजिए, वीडियो नंबर 1 देखिए, उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपको समांतर श्रेणी दी गई है, उसके पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इस खंड में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं 2 क्वेश्चन बता दूंगा और उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर कितना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2, 7, 12 पदों तक, ठीक, 2, 7, 12 पदों तक पदों की संख्या का योग हमको ज्ञात करना है। पदों का योग हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो पदों का अगर योग ज्ञात करना है तो मैं एक फार्मूला बताया था, यस यन बराबर यन बटे दो, ठीक, यन बटे दो 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, या फिर यस यन बराबर यन बटे दो यल प्लस ए, ठीक, ये चीज है। तो आपको मैंने यही 2 फार्मूला बताया है, इसी 2 फार्मूले पे आपको ये प्रश्नावली पूरी सॉल्व करा दी जाएगी। अगर आप वीडियो 1 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने इस दोनों फार्मूले के बारे में पूरा विस्तार में बताया है। इसमें पहले हम देखेंगे कि हमारा a का मान क्या है और d का मान क्या है। a बराबर हमको दिए हैं 2, d बराबर हमको दिए हैं 7 माइनस 2, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद घटा दीजिए अर्थात 5। उसके बाद 10वें पदों तक, यानी कि n बराबर कितना है 10, अगर हमको कह रहे 10वें पदों तक, 15वें पदों तक, 20वें पदों तक, तो इसका मतलब वो हमको यन का मान दिए हैं। लेकिन अगर अभी डॉट यही इतना रहता और आगे पदों तक ना होता तो ये जो हमको मान देते ये हमको यल का मान देते। किसका मान देते? यल का मान देते, ठीक। तो यहां पे लिखा है क्या? पदों तक। तो चलिए हम पहले देखते हैं, यस यन बराबर यन बटे दो और ए प्लस 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू बी। तो यहां पे यल वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ये यल का मान हमको नहीं दिए, हमको किसका मान दिए हैं? ये हमको ये यल का मान दिए, पदों की संख्या दी गई है। तो बराबर यल का मान है 10 बटे 2 गुणे ए, ए का मान है 2 और प्लस यल माइनस 1 इंटू डी। तो डी का देखिए, यल का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 5। तो 2 × 5 = 10, 5 ब्रेकेट के अंदर 2 × 2 = 4 प्लस 10 में से 1 गए 9 और 9 × 5 करेंगे तो 9 × 5 = 45, या फिर ये हो जाएगा 5 और 45 × 4 = 49। जब इसका गुणा करेंगे 5 × 9 = 45 हासिल लगेंगे 4 और 5 × 4 = 24, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा क्या? 245 आ जाएगा आंसर, ठीक। आगे चलिए, आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का ही हम देखेंगे तीसरा, क्योंकि दशमलव में है, दूसरा आपका होमवर्क है, पहले का दूसरा आप लोग लगाइएगा, तीसरा देखिए। लिखा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 0.6, 1.7, उसके बाद 2.8 डॉट 100 पदों, ठीक, ये चीज है। तो वही चीज है, यहां भी लिखा हुआ क्या? 100 पदों तक। तो a का मान हमको दिए हैं 0.6, d का मान निकालने के लिए 1.7 - 0.6 यानी कि 1.1, और y का मान हमको दिए हैं 100, ठीक। तो हम चलिए, क्योंकि हमको फार्मूला पता है कि यस यन बराबर यन बटे दो, यन का मान है 100/2, ब्रेकेट के अंदर a यानी 2a, तो 2 × a, a का मान है 0.6 प्लस यन, यन का मान है 100 माइनस 1
इंटू डी, डी का मान है 1.1, तो ये हो जाएगा 50 दो छंग 12 यानी कि 1.2 और प्लस 100 में से एक घटा देंगे तो 99 और गुणे 1.1 या फिर ये हो जाएगा 50 1.2 प्लस इसको जब गुणा करेंगे तो 11 9 99 हासिल 9 11 9 99 और 9 2 18 108 और एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए या फिर ये हो जाएगा 50 जब इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 की 1 हासिल लगेंगे 1 8 1 9 और 1 10 की 0 हासिल लगेंगे 1 1 और 1 एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए या फिर आप पूरा करेंगे तो देखिए 5 5 5 5 5 5 5 और 0 एक अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो आया 55 05 यही आ जाएगा हमारा आंसर। कहीं समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको इसका आंसर बताएंगे, फिर से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो आगे देखिए कह रहा है जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो इस प्रश्नावली में हमने 2 होमवर्क दिए हैं, एक आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है और एक आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 7 + 10 = 1/2 + 14 + 84 इसका हमको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो जो कि देखिए हमको एक फार्मूला पता है, यस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एन। अगर हमको अंतिम पद दिया गया है, यहां पे देखिए ये 84 जो लिखा है ये हमको अंतिम पद दिया गया है, अभी यही होता 84 पदों तक तब हमको यन दिया गया रहता, तो यन का मान अगर हमको योगफल ज्ञात करना है तो याद रखिएगा यन का मान बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यन का मान निकालेंगे, तो यन का मान निकलेगा कैसे, देखिए ए का मान 7 दिए हैं, डी का मान निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे अर्थात 10 = 1/2 - 7 10 * 20 = 21/2 - 7 यानी कि 21 - 2 = 14/2 तो 14 14 26 यानी कि 7/2 ए का मान 7 डी का मान 7/2 और यह का मान है हमको कितना 84। तो सबसे पहले हम यह का मान निकालेंगे किस सूत्र से, इस सूत्र से, इस सूत्र से हम पहले यन का मान निकालेंगे, उसके बाद यन का मान जब निकल जाएगा तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो चलिए यन का मान यन बराबर ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, यन बराबर है 84, ए बराबर है 7, यन का मान निकालना है, डी का मान है 7/2 तो 84 ये प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 बराबर यन माइनस वन और 7/2 तो 84 में से जब 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 77 बराबर यन माइनस वन गुणे 7/2 तो देखिए 7 का लंब 7 7 गुणे 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 2 = 22 बराबर यन माइनस वन या फिर यन बराबर 22 + 1 यानी कि ये 1 इधर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 23। यन का मान आ गया हमारा 23, यन का मान 23 आ गया, यन का मान 84 है, ए का मान 7 है तो यस यन का मान क्या हो जाएगा यन बटे दो ए यानी कि 7 प्लस यन 84 तो ये आ जाएगा हमारा 23/2 गुणे 84 + 7 तो 7 4 11 91 या फिर इसी को हम काट देंगे। तो काटने के लिए हम क्या करेंगे कि 23 × 91 पहले कर लेंगे उसके बाद 2 से भाग दे देंगे तो 23 × 91 तो 23 * 23 कि 3 हासिल लगे 2 23 × 9 करेंगे तो 9 3 27 हासिल लगे 2 9 2 18 2 20 यानी कि 23 * 23 हासिल 2 23 * 9 = 207 और 2 209 तो ये आ जाएगा आपका 20 93/2 या फिर 2 * 2 2 * 8 2 * 6 = 12 2 * 5 = 10 यानी कि 10 46.5 यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, कहीं समस्या हो तो बताइएगा। तो आगे जो हमारा प्रश्नावली
5.3 का जो दूसरा है, इसमें का जो अगला दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम इसी तरह लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता दे रहा हूं, 2 क्या 3 बता दे रहा हूं, 3 में माइनस दिया गया है उससे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इसलिए 3 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखा है, क्या कह रहा है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230 यही है, कह रहा है कि पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए हमको दिया गया है क्या, a बराबर -5, b बराबर -8, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, माइनस पहला पद -5 -8 प्लस 5 यानी -3, और ये मान जो दिया गया है ये हमको यंग का मान दिया गया है ना कि यंग का, अगर यही पदों तक होता तो ये यंग का मान होता, लेकिन चूंकि पदों तक नहीं है इसलिए ये यंग का मान है -230। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या कि पहले आप यंग का मान निकालेंगे, तो यंग का मान निकलेगा कैसे, इस सूत्र से निकलेगा, यानी कि यंग बराबर ए प्लस यंग माइनस 1 इंटू टी, तो -230 बराबर ए यानी -5 प्लस यंग माइनस 1 इंटू डी, -5 को इधर लेके जाएंगे, -230 प्लस 5 बराबर यंग माइनस 1 इंटू -3, तो इसको घटा देंगे, -225 बराबर यंग माइनस 1 और इंटू -3। तो देखिए माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, 3 × 3 3 × 7 = 21 3 × 5 = 15 यानी कि यंग माइनस 1 बराबर आ गया 75, तो यंग का मान आ जाएगा 75 प्लस 1 बराबर 76, यंग का मान पा गए हम 76। अब यही मान उठा करके हम इसमें रख देंगे, तो यंग का मान आ जाएगा 76/2 और a का मान है -5 प्लस यंग और यंग का मान है -230, तो चूंकि यहां प्लस है और उसका मान -230 है तो इसलिए -1 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16 38 × -235, इसको आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके जो आएगा वही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये चीज है, इस तरह से हम लगाएंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, इसमें भी कई खंड हैं, आपको मैं कुछ खंड बता दूंगा। सबसे पहली चीज हमको दिया क्या क्या गया है, कह रहा है तीसरे का हम पहला देखते हैं, पहले a बराबर दिए हैं हमको, a बराबर 5, b बराबर 3, am बराबर 50 और एन बराबर 50, तो यन बराबर वाट और यस यन बराबर वाट। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सीरीज दी गई थी और इसमें वही सारे मान दे दिए गए हैं, तो हमने जो बताया है सिर्फ 2 फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम इसमें फार्मूला लगाएंगे यन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, यहां से हमको यंग का मान मिल जाएगा, और जब यंग का मान मिल जाएगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यसएन बराबर यंग बटे 2 ए प्लस यंग। तो चलिए, तो पहले इसमें मान रख देंगे, तो यंग ये जो हमको एन दिया गया है, एन जो दिया गया है इसी को हम यंग लिख सकते हैं, यानी कि ये हमको दिया गया है 50, ए का मान दिया गया है 5 यंग माइनस 1 और डी का मान दिया गया है 3, तो 50 और ये प्लस माइनस 5 इधर जाएगा तो उधर माइनस 1 जाएगा, यंग माइनस 1 और इंटू 3, तो इसको घटा देंगे तो 45 बराबर यंग माइनस 1 इंटू 3, तो या फिर यंग माइनस 1 बराबर 3 × 3 3 × 3 = 15 यानी कि यंग माइनस 1 का मान 15 आ गया, तो यंग का मान आ जाएगा 15 प्लस 1 यानी कि 16, यंग का मान आ गया हमारा 16। ठीक, एक मान मिल गया, दूसरा निकालना है हमको यस यंग, तो यस यंग निकालेंगे इस फार्मूले से,
यह का मान है 16 बटे 2, ए का मान है 5 प्लस यल का मान है 50, यानी कि 2 8 16, 8 × 50 और 5 55, यानी कि 8 × 5 40 की 0 ऐसे लगे 4, 8 × 5 40 4 44, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 444 और यल बराबर 16, यही आ जाएगा हमारा आंसर। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट देखिए, कह रहा है कि a बराबर 15, a3 बराबर 15 और यस 10 बराबर 125 और डी और ए 10 ज्ञात करना है, डी बराबर वाट और ए 10 बराबर, ठीक। तो ये चीज है, तो देखिए कुछ भी हो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको निकालना क्या क्या, हमने बताया कि हमको जो है ए और डी का मान पता होना चाहिए। यहां पे जब हम देखेंगे तो ए 3 का मान दिया गया है 15 और ए 3 का मान 15 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ ए प्लस 3 − 1 × d बराबर 15 दिया गया है और यस 10 का मान 125 दिया, या फिर ये हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर 15, समीकरण एक हो जाएगा। हमको दिया गया है यस 10 बराबर 125, तो चूंकि हमको फार्मूला पता है क्या, यस n का n बटे 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जब यहां n रहता था तो यहां n लिखते थे, यहां 10 है तो यहां 10 हो जाएगा, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125, 2 × 5 = 10, 5 आ जाएगा और 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5 = 25, इसका मतलब क्या हुआ कि 2a प्लस 9b बराबर आ गया कितना 25, समीकरण 2 और समीकरण 1 को हल करके हम a और d का मान निकाल लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 × 2 = 2a प्लस 2 × 2 = 4d बराबर 2 × 15 यानी कि 30, समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा कर दिया, अब गुणा करके इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा हमारा, यानी कि 5d बराबर -5, तो d बराबर आ जाएगा हमारा -1, d का मान -1 आ गया और d का मान -1 आ गया, तो इसको उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए हमको मान मिल जाएगा। तो चलिए a प्लस 2 × d -1 बराबर 15 या फिर a माइनस 2 बराबर 15, a बराबर ये -2 उधर जाएगा +2 यानी कि 17 आ जाएगा, a का मान आ गया 17, d का मान आ गया -1, निकालना क्या है हमको, निकालना था d का मान, निकल गया, a 10 का मान, तो a 10 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 9b, तो a यानी कि 17 और प्लस 9 × d, d का मान -1 या फिर 17 − 9, तो 9 8 17, यानी कि 8 आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस केवल कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी दिया गया है पहले आप उससे समीकरण बना लीजिए, अगर हमको यस 13 दिया गया रहेगा या यस 15 दिया रहेगा, कुछ भी दिया गया रहेगा, तो अगर हमको देखिए ठीक इसको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा कमेंट करिएगा बताएंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट है केवल आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट के लिए अगर हमको यस यल दिया गया है
तो n बटे दो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, याद रखिएगा। अगर यहां पे n है, ठीक, अगर यहां n है तो यहां n रहेगा, यहां n रहेगा, यहां 10 रहेगा तो यहां 10 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा, यहां 15 रहेगा तो यहां 15 हो जाएगा, यहां 15 हो जाएगा, यानी कि जो चीज यहां पे रहेगा हमारा वही चीज यहां और यहां हो जाएगा। और अगर हमको a n दिया गया है तो a n के लिए हमने बताया ही था कि a n बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे n रहेगा तो यहां n रहेगा, यहां 5 रहेगा तो यहां 5 रहेगा, यहां 10 रहेगा तो यहां 10 रहेगा। तो इससे हमारा दो समीकरण हमको मिल जाएगा। तो जब दो समीकरण मिल जाएगा तो उसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये चीज है आज हमने जो है जो देखा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक। 1, 2 और 3 के जितने पार्ट है वो सारे पार्ट आप लोग लगाइएगा, कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक। कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 14 तक, ठीक। और उसके बाद परसों जो है आपकी ये प्रश्नावली समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगी। अगला जो चैप्टर पढ़ना होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक नहीं किए हो तो लाइक करना ना भूलें।